अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, QS Employees TV में खुश आमदी। दोस्तों, विफाकी और सूबाई सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए एक नई बड़ी अपडेट है, जिसकी तफसील आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा। तो आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखें, ताकि आप लोगों को आज की इस खबर की मुकम्मल तौर पर इन्फॉर्मेशन मिल सके। सात मई 2023, तमाम वफाकी व सूबाई मुलाजमीन को सलाम अलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। 9 मई को हमारा जो है वफाक की मीटिंग है, ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस फेडरल, ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस खैबर पख्तूनख्वा की भी 9 तारीख को मीटिंग है, और ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस पंजाब के साथी कोऑर्डिनेशन में है, उन्होंने अपनी मीटिंग की है। ये जो मेरे साथ साथी इस वक्त नजर आ रहे हैं, ये सिर्फ एक डिपार्टमेंट NCHD फेडरल एम्प्लॉयज जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आते हैं, उसके साथी जो है आज दफ्तर मेरे जो है पहुंच गए हैं। यकीन दहानी इन्होंने करवाई है कि तमाम मुलाजमीन के मुश्तरका हकूक के लिए इंशाल्लाह ताला ये आपके हमारे शाना बशाना होंगे। आप सबके लिए मैसेज है कि भरपूर तैयारी रखें। इस बजट में हमने अपने बच्चों के जायज आईनी हकूक का दिफा करना है, और हकूमत के लिए, मुखालिफीन के लिए, मुनाफिकीन के लिए ये मैसेज है कि हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। मुलाजमीन इत्तेहाद जिंदाबाद, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस जिंदाबाद। भरपूर तैयारी रखें। ये बजट इंशाल्लाह ताला भरपूर तरीके से हमने एहतजाज करके जायज आईनी मुतालिबात जो है हमने इसके अंदर अपने पूरे करवाने हैं। इस मैसेज को शेयर करें। तमाम कायदीन जो वफाक के हैं उनके साथ हमारी मीटिंग इंशाल्लाह